गुना के जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते नसबंदी कराने आई महिलाओं को पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। बताया जा रहा है नसबंदी का ऑपरेशन करने डॉक्टर देरी से पहुंचे, जिससे कई महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुना के जिला अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही के चलते नसबंदी के लिए महिलाओं को 8 से 10 घंटे इंतजार करना पड़ा। इसके बाद भी नसबंदी का ऑपरेशन नहीं हुआ। दरअसल एक दिन पहले बोला गया था कि सुबह 9 बजे खाली पेट आना है, जिसमें करीबन 50 से 60 महिलाएं नसबंदी के लिए सुबह चिकित्सालय पहुंच गईं, जिसके बाद डॉक्टर शाम के 5 बजे ऑपरेशन करने पहुंचे। इससे पहले महिलाएं हालत नाजुक हो चुकी थी, कुछ महिलाएं बेहोश हो गई थीं और कुछ महिलाओं को घबराहट और बेचैनी और उल्टियां होने लगी थी। नसबंदी से पहले लगने वाला इंजेक्शन 4 से 5 घंटे पहले ही लगा दिया गया था। किसी किसी महिला को तो 2 से 3 बार इंजेक्शन लगा दिए, जिससे महिलाओं की स्थिति नाजुक हो गई। कोरोना महामारी के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मगर गुना जिला चिकित्सालय में ऐसी कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिली। उधर महिलाओं के परिवार जनों ने उनको सुबह से बुलाकर परेशान करने का आरोप लगाया। आधे तो तुम कोरोना मार रहा है, आधे ऐसा मार दे तो सूजी लगा के ऐसा मारना हो तो ऐसे ही मार दो ना। ऑपरेशन बंद करो कहता हूं, ऑपरेशन बंद करो। जैसे जो मेला यार वो बंद हो, एक एक घंटा दो दो घंटा हमें संग्रेशन लगा था जी, और तंदी का कंडीशन हो गई है। आधे तो बच्चे मरे जा रहे हैं रो रो के। काय के लिए आई हो आप? ऑपरेशन के लिए आए हैं। काय का? और बच्चन का बंद कराने का, नसबंदी का। कितने बजे का आई हो? हम आए सुबह 6 बजे की लाइन में लग रहा है, कल कोरोना की जांच नहीं हुई। हाँ जी, इनकी हालत कैसी हुई? इनकी हालत ऐसी हो गई, चक्कर आ रहा है, मौसम बिल्कुल बोलने की बस की नहीं है। पेट दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही, सुबह की लाइन में लगे। और अब जांच आ गई, फिर जी बोलने लगे कोरोना की रिपोर्ट लेके आओ। कोरोना की रिपोर्ट नहीं दे रहे, फिर दूसरा के जहाँ आ गए तो अब जही सुनवाई नहीं है। अब इंजेक्शन लगा लगा पटक दे, 2 घंटा इंजेक्शन कब लगाया? 2 घंटा भाई साहब। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।